बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इन नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशंस में कन्वर्ट करके लिखना है। तो सबसे पहले जो ए पार्ट है, ये हमारे पास है 1, 2, 3, 4 मीटर। इसको हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास 1, 2, 3, 4 मीटर जो है, इसमें जो पॉइंट है वो 4 डिजिट्स के बाद जहाँ पर जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता वो एक्सट्रीम राइट साइड पर मौजूद होता है। तो इस पॉइंट को हम 3 डिजिट लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो जब पॉइंट यहाँ पर मूव होगा तो ये कितने डिजिट मूव किया, 3 डिजिट। तो 10 की पावर में उतने डिजिट प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर 3 हो जाएगा। 3 डिजिट मूव किया है राइट साइड पर तो 10^3 हो गया। अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता तो जितने डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करता है उतने डिजिट यहाँ पर माइनस में आ जाता है 10^10 में। इसी तरह हमारे पास बी ऑप्शन है 0.000023 सेकेंड। अब जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से पॉइंट हमने लेकर जाना है इस जगह पर 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो ये कितने डिजिट मूव करेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट राइट साइड पर मूव करेगा। तो इसलिए 2.5 × 10^-5 सेकंड आ जाएगा। जितने डिजिट राइट साइड पे मूव किया है 10 की पावर में उतने माइनस आ गए। इसी तरह सी ऑप्शन है 469.3 × 10^5 मीटर। तो ये हमारे पास जो है, यहाँ पर हमें पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करना है, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे जब मूव करेंगे तो उतने डिजिट 10 की पावर में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 5+2 हो जाएगा। 10^5 ऑलरेडी था, 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव किया पॉइंट तो 2 ऐड हो गया, तो ये आ जाता है 4.693 × 10^7 मीटर। उसके बाद डी ऑप्शन है, डी में हमारे पास 0.00985 × 10^7 सेकंड गिवन है। अब इसको कन्वर्ट करना है तो पॉइंट हमारे पास 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा। जब पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा तो पावर में -3 आ जाएगा, 9.85 × 10^7 -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 9.85 × 10^4 सेकंड आ जाता है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई। बस मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर प्लस होती है, और जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो जितने डिजिट मूव करेगा उतने डिजिट 10 की पावर माइनस में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। इन मेजरमेंट्स को हमने सिंप्लीफाई करना है प्रीफिक्स का यूज करते हुए। तो हमारे पास जो वैल्यू ज्ञानाना है वो 27.5 × 10^-10 मीटर है। अब 10 जो प्रीफिक्सेस का टेबल है, अगर आप उसको जहन में लाएं तो उसमें जो 10^-10 यानी कि 10 की पावर में जो इसके नज़दीक हमारे पास प्रीफिक्स है वो 10^-9 वाला है। तो इसको 10^-9 में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, अगर यहाँ से इस पॉइंट को हम 1 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करें तो 10^1 प्लस हो जाएगी, यानी कि 2.75 × 10^-10 + 1। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि लेफ्ट साइड पे जब डिजिट मूव करेगा तो जितना डिजिट मूव करेगा उतनी 10^10 में प्लस हो जाएगा। तो -10 ऑलरेडी था, +1, ये हो जाएगा 2.75 × 10^-9 मीटर। 10^-9 प्रीफिक्सेस में नैनो की इक्वल होता है तो 2.75 नैनोमीटर आ जाएगा। उसके बाद ये बी है 0.00023 × 10^-2 मीटर। अब इसमें पॉइंट को अगर हम 4 डिजिट राइट साइड में मूव करें तो 10^-2 और -4 और आ जाएगा, तो वो टोटल हो गया -6 हो जाएगा, जो कि माइक्रोमीटर की इक्वल होता है। तो ये पॉइंट को 4 डिजिट राइट साइड पे मूव किया 2.3 हो गया, और 4 डिजिट मूव हुआ है तो इस वजह से 10^ भी -4 साथ आ जाएगा, तो 2.3 × 10^-6 मीटर हो जाएगा, यानी कि 2.3 माइक्रोमीटर। तो ये हमने इन वैल्यूज को प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है, इफ अ बॉडी हैज एज ऑफ 15 years, 2 months and 10 days, convert his age in seconds, milliseconds and megaseconds. कि अगर एक बॉय है और उसकी एज 15 years, 2 months and 10 seconds है,
15 ईयर 2 मंथ्स एंड 10 डेज है, तो उसकी एज को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में। तो एक बात आप ध्यान में रखना है कि जब किसी भी एज को आप कन्वर्ट करने लगेंगे तो आपने देखना है कि उसमें कितने हमारे पास यूनिट्स इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि ईयर्स मंथ्स एंड 10 डेज इस्तेमाल हुए हैं। तो 15 ईयर्स को अलग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, 2 मंथ्स को अलग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे और 10 डेज को अलग सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। वो जो वैल्यूज आएंगी उनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर सेकंड्स में आ जाएगा, फिर उसको हम मिली सेकंड और मेगा सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम 15 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो 15 ईयर्स में 15 ईयर्स, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। एक डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट में कितनी सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये इस तरह करके 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी। ये 15 ईयर, एक ईयर में 12 मंथ्स, एक मंथ में 30 डेज, एक डे में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट एंड एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि जो उससे लो हमारे पास यूनिट था, हम उसमें उसको कन्वर्ट करते गए तो देखते गए कि उसमें क्या वैल्यू है। तो इनको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास 466560000 सेकंड आ गया। ये जस्ट 15 ईयर्स कन्वर्ट होके आए हैं सेकंड में। उसके बाद हम 2 मंथ्स को कन्वर्ट करते हैं सेकंड में। तो 2 मंथ्स, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 518400। इसके बाद 10 डेज इंटू सेकंड्स, 10 डेज को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 10 इंटू 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 864000 सेकंड आ जाता है। मैंने किया क्या कि जो यहाँ पर वैल्यू के साथ लिखा हुआ था यूनिट, उसको देखा कि एक उस यूनिट में कितने हमारे पास उससे लो यूनिट्स मौजूद हैं। जैसे कि एक ईयर में ईयर से कम हमारे पास जो यूनिट है वो मंथ्स का है, तो एक ईयर में 12 मंथ्स थे, मंथ से कम ईयर डेज, मंथ से कम डेज हैं, वैसे तो वीक्स भी हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पर ईयर से हम डायरेक्ट डेज लिख सकते हैं 365 डेज, इसी तरह आपको वीक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप डेज लिखते हैं और फिर उसके बाद आवर्स, मिनट और सेकंड, इस तरह इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास सेकंड्स में तीनों आंसर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 15 ईयर्स में 2 मंथ्स ऐड करेंगे और 10 डेज ऐड करेंगे इन सेकंड्स में, जो इनकी सेकंड में आंसर्स हैं, तो आपके पास जो ये वाली वैल्यू थी ये सेकंड्स में आ जाएगी। तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 466560000 ये वाली वैल्यू प्लस ये सेकंड्स में जो वैल्यू है प्लस ये वाली, तो ये हमारे पास 472608000 सेकंड आ जाता है। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट हमने करना था मिली सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। इस वैल्यू को मिली सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मिली की वैल्यू होती है 10^-3, तो हम इस वैल्यू को 10^+3 और 10^-3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके फिर ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, 10^+3 और 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो 10^-3 है वो मिली बन जाएगा और 10^3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जो सेकंड्स में आंसर था उसको मिली सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सी ऑप्शन है। सी में जो हमारे पास वैल्यू है, जो सेकंड्स में वैल्यू गिवन है, उसको मेगा में कन्वर्ट करेंगे। तो मेगा के लिए हमें 10^6 चाहिए। इस वैल्यू को 10^-6 और 10^+6 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10^-6 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट जहाँ से 6 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, तो ये यहाँ पर आएगा 472608000 और 10^6 क्या हो जाएगा, मेगा। तो ये हमारे पास जो एज थी 15 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 10 डेज, ये सेकंड्स, मिली सेकंड्स और मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट होके आ गई। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। हाउ मैनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 मीटर्स, कितने किलोमीटर होते हैं 25 माइक्रोमीटर्स में।
तो हम इन माइक्रोमीटर्स को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर किलो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 25 माइक्रोमीटर हमारे पास है, ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, 25 × 10⁻⁶ मीटर के। माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁶ होती है, हमें चाहिए किलो यानी कि 10⁻³। तो 10⁻+3 और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। ये 10⁻³ तो किलो हो जाएगा और ये 10⁻³ इसके साथ वैसे सेम है पावर जेड हो के 25 × 10⁻⁹ किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने 25 एज इट इज लिखा, 10 की पावर्स बेस सेम थी तो ऐड होके -9 हो गई और ये 10⁻³ किलो में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल आर 20। और इसी तरह स्क्रू गेज का भी हमने कैलकुलेट करना है, पिच और लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात, वर्नियर कैलिपर्स की कोई पिच नहीं होती, पिच सिर्फ स्क्रू गेज की होती है। तो लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जो लीस्ट काउंट का फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। ये आपका लीस्ट काउंट का फार्मूला है वर्नियर कैलिपर के लिए। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की 1 मिलीमीटर है और टोटल डिविजन्स 20 हैं, तो 1 / 20 ये आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो ये वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट आ गया। अब इसके बाद स्क्रू गेज की बात करें तो स्क्रू गेज का जो पिच है वो किसकी इक्वल होगा, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पाइंडल पर रेवोल्यूशन व्हिच इज गिवन एज 0.5 मिलीमीटर। कि जो स्क्रू गेज की पिच है वो क्या चीज है, वो किसकी इक्वल होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पैंडल पर रेवोल्यूशन, यानी कि एक कंप्लीट जो राउंड ट्रिप है वो कवर करने के बाद जो मेन स्केल है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो ये 0.5 मिलीमीटर है जो कि हमें बताया गया है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है ना मेन स्केल की, तो जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है वही हमारे पास पिच ऑफ द स्क्रू गेज होती है, 0.5 मिलीमीटर। अब वर्नियर स्क्रू गेज के लिए लीस्ट काउंट का फार्मूला यूज करेंगे, पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स, यानी कि लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच हमें गिवन है 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 50 है, तो ये 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज की पिचेस और लीस्ट काउंट यूज फाइंड कर लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6, लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर एज शोन इन फिगर, what is the main scale reading, what is coinciding division on vernier scale, calculate total reading on the vernier caliper suppose। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर का इमेज दिखाया गया है जिसमें ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, इसकी मदद से मेन स्केल रीडिंग लेनी है। तो इसका सोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो मेन स्केल रीडिंग होती है ना वो होती है कि वो मेन स्केल की वो लाइन जिसको वर्नियर स्केल की लाइन क्रॉस कर चुकी हो, ठीक है, जहां पर एक मिस्टेक हुई है, मैंने इस लाइन को कंसिडर कर लिया था, ये आपने ध्यान रखना है, मैं इसको बाद में नोट्स में सही कर दूंगा, लेकिन जहां पर आपने मैंने सॉल्व करते वक्त इस लाइन को कंसिडर कर लिया था, ये लाइन नहीं है, आपने जीरो देखना है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की किस लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो ये हमारे पास 2 वाली लाइन है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है, तो ये मेन स्केल रीडिंग आएगी 2.5 सेंटीमीटर। वो टाइप करते वक्त मेरे जहन में नहीं रहा, मैंने इस लाइन के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लिया था, ये 2.3, लेकिन मैं वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जिस लाइन को क्रॉस कर चुका होता है वो हमारे पास आती है, तो ये 2.3 की बजाय 2.5 सेंटीमीटर आएगा, इस लाइन को क्रॉस किया है, ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पर, व्हाट इज कॉइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल इक्वल है। तो यहां पर ये आप इमेज देख सकते हैं ब्लर है, बुक में भी बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है, प्रॉपर इमेज होता तो उसकी मदद से आप इस लाइन को बिल्कुल एक्यूरेटली फाइंड कर सकते थे। अब यहां पर जो है वो वैसे देखने से हमें 0, 1, 2, 3 नंबर जो लाइन है वो कॉइंसाइड करती हुई दिखाई देती है, यानी कि मेन्स वर्नियर स्केल की वो लाइन जो मेन स्केल के बिल्कुल बराबर आ रही है, तो वो हमारे पास 3 नंबर लाइन आ गई। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल रीडिंग को वर्नियर कैलिपर्स की मदद से,
तो ये सी आएगा टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग ये 2.5 सेंटीमीटर होगी प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 3 है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का 0.01 सेंटीमीटर है। अच्छा ये कैसे आएगा, ये भी आपने इस डायग्राम की मदद से देखना है, जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है वो अप्लाई करके। ये सेंटीमीटर्स में वैल्यूज हैं तो स्मॉलेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर है, 0.1 सेंटीमीटर है या 1 मिलीमीटर है। ये 0.1 सेंटीमीटर है, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरह करके ये 1 सेंटीमीटर यहाँ तक बनता है। तो ये दो लाइंस कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स 10, तो ये 0.01 सेंटीमीटर आता है। तो टोटल रीडिंग इक्वल हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर प्लस 0.03 सेंटीमीटर, यानी कि 2.53 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो मिस्टेक हुई है टाइपिंग मिस्टेक, ये आपने करेक्ट कर लेनी है। मैंने मेजरमेंट लेते वक्त इस लाइन को देख लिया था, आपने इस लाइन को देखते हुए 2.5 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आएगा 2.53 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम है, लुक एट द फिगर ऑफ स्क्रू गेज, लेट्स सपोज अ स्मॉल स्टील बॉल इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्पाइंडल एंड एनविल, देन व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग, व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए पार्ट जब हमने मेन स्केल रीडिंग देखनी है, तो मेन स्केल रीडिंग ये है कि सर्कुलर स्केल किस लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो ये हमारे पास मेन स्केल जो इंडेक्स लाइन है उस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6.5 है। इसके बाद हमें 7 वाली लाइन नज़र नहीं आ रही, अगर आ रही होती तो हम 7 लिखते, लेकिन यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग क्या होगी 6.5, और ये क्या है यूनिट मिलीमीटर, तो 6.5 मिलीमीटर आ गया। व्हाट इज कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये आप नीचे से देखें 40, 41, 42, 43, 44, 45, तो ये 46 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग 46। सी में है कैलकुलेट द टोटल डायमीटर ऑफ द बॉल, तो टोटल रीडिंग हमारे पास क्या आएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग 6.5 मिलीमीटर थी प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 46 इनटू लीस्ट काउंट। अब जो लीस्ट काउंट होता है इसका स्क्रू गेज का, वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, ये हमारे पास मिलीमीटर्स में है ना, तो ये 0.5 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो ये टोटल 50 डिविजन्स हैं। तो जब हम 0.5 पे 50 डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 मिलीमीटर आएगा इसका लीस्ट काउंट। तो इस लीस्ट काउंट को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 0.46 मिलीमीटर आ जाता है, इनको ऐड करेंगे तो टोटल रीडिंग हमारे पास आ जाती है 6.96 मिलीमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। थैंक यू।